farmers who are sitting in protest on Sonipat don't agree. NDTV caught up with many farmers in these protests who are from Haryana. Listen. एक तो हम आपके सहम में खड़े हैं, सारे के सारे हरियाणा के किसान खड़े हैं, आप मेरे आसपास खड़े हैं। पूरा कहीं भी आप देखो कि हरियाणा की भागीदारी पंजाब के बराबर की संत जी वाली बात है। पूरा देश का आंदोलन है, केवल हरियाणा पंजाब मनना है बात तो अच्छी बात है। हरियाणा और पंजाब के किसान यहाँ पे ज़्यादा हैं, बाकी देशों के भी प्रतिनिधि यहाँ पे पहुँच गए हैं और ये आंदोलन जो है तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती। हरियाणा के बहुत किसान हैं, कौन कह रहा नहीं है? मुख्यमंत्री की तो मेरी भी जबान है, कुछ भी कह दो, ये तो सब आज़ाद हैं कहने के लिए। रोहतक के बहुत ट्रैक्टर आ रहे हैं, मैं आज सुबह आया हूँ, मैंने देखा था, हमारे गांव के भी कई ट्रैक्टर आए यहाँ जी। मैं हरियाणा से हूँ और मेरी मातृभूमि यही है, तो हम तो इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लेने लग रहे हैं और कहना चाहूँगा कल सुबह तक मेरी सोनीपत बेल्ट यहाँ रोड पर आलेगी। फतेहाबाद से हैं, नरवाना से हैं, सरसा से, रोड़ी से, बताओ ये हरियाणा में कौन से है? तो खट्टर साहब ये हरियाणा के किसान है, प्रूफ के साथ बैठे हैं और कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो भी देंगे। हरियाणा भी है, इधर भी देख लो, ये हरियाणा आने लगे, पीछे भी ऑस्ट्रेलिया आई हुई है। 15,000 किसान तो जरूर है यहाँ पे इसी बॉर्डर पे। अकेला ये बॉर्डर नहीं हमारा, सोनीपत वाला भी और परला बॉर्डर कुंडली वाला, सारे बॉर्डर हमारे हैं, पंजाब वाले तो हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो हम हैं हरियाणा के किसान। खट्टर ये कैसे कह देगा कि किसान हरियाणा के नहीं है? हम पाकिस्तान का रहे हैं, उस खट्टर ने यह बता दिया ना, हरियाणा के किसान बैठे हैं, किसी पार्टी के ना है। रणनीति तो महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए रहना बॉर्डर पे, जब तक मोदी सरकार घुटने नहीं टेक लेगी, ये नहीं कह लेगी हमने तुम्हारी मांगे मान ली, लिखित में देंगे तब तक।